पांचवें चरण के अंतर्गत प्रथम कोशिका का उद्भव हुआ समुद्री जल में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की कमी होने पर न्यूक्लियो प्रोटीन के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी और नए बने हुए न्यूक्लियो प्रोटीन जो कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप बने थे इन न्यूक्लियो प्रोटीन के चिपचिपे होने के कारण प्रोटीन समूह इकट्ठे हुए। पंचम चरण पांचवें चरण में प्रथम कोशिका का उद्भव हुआ न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रतिस्पर्धा हुई जिसके कारण न्यूक्लियो प्रोटीन की संख्या में खाद्य पदार्थों की कमी होने की वजह से न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रतिस्पर्धा हुई और नए बने हुए न्यूक्लियो प्रोटीन चिपचिपे होने के कारण प्रोटीन समूह में परिवर्तित हुए। इन्होंने प्रोटीन समूह का निर्माण किया। इस प्रकार से पांचवा चरण संपन्न हुआ। अब बात करते हैं छठे चरण के बारे में। छठे चरण के अंतर्गत इस चरण में जीवों में पोषण विधि के आधार पर जीवों का विकास हुआ। परजीवी, मृत जीवी, मृतोपजीवी पोषण विधि के आधार पर जीव उत्पन्न हुए जैसे मृत जीवी, परजीवी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जीव रसायन संश्लेषी जो कि रसायन को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। रसायन संश्लेषी रसायन से भोजन की प्राप्ति। मृत जीवी जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। परजीवी जो दूसरे जीवित जीवों पर रहकर अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं। आदि जीवों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं सातवें चरण के बारे में। सातवां और अंतिम चरण सातवें चरण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी जीवों की संख्या में वृद्धि से समुद्र व वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। मुक्त ऑक्सीजन ने मीथेन व अमोनिया से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन गैस बनाई। इस प्रकार आदिकालीन वायुमंडल आधुनिक वायुमंडल में परिवर्तन हो गया। ऑपेरिन की इस प्रकार से आदिकालीन वायुमंडल आधुनिक वातावरण वायुमंडल में परिवर्तित हो गया। सातवें चरण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी जीवों की संख्या में वृद्धि जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। मुक्त ऑक्सीजन ने मीथेन व अमोनिया से क्रिया करके इस ऑक्सीजन ने मीथेन व अमोनिया से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन गैस का निर्माण किया।
इस प्रकार से आदिकालीन वातावरण में धीरे धीरे वर्षों बीतने धीरे धीरे होते हुए आदिकालीन वातावरण आधुनिक वातावरण में परिवर्तित हो गया। ओपेरिन की परिकल्पना का प्रायोगिक परिमाण प्रायोगिक परिणाम मिलर साइंटिस्ट ने अपने प्रयोग के द्वारा इसे प्रमाणित किया था। अर्थात ओपेरिन के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने इस ओपेरिन के पूरे सिद्धांत के जो भी 7 चरण थे उसे एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया और यह बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। अपने प्रयोग में मिलर ने इस वैज्ञानिक स्टैनले मिलर इनका पूरा नाम है तथा 1952 में इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 3 या 4 अरब वर्ष पूर्व आद्य युग में पृथ्वी का पर विद्यमान परिस्थितियों को इस प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया तथा इन्होंने एक उपकरण में मीथेन अमोनिया व हाइड्रोजन गैस को लेकर इन्होंने एक उपकरण में मीथेन अमोनिया व हाइड्रोजन को भर दिया और एक फ्लास्क में निरंतर पानी को उबालते रहे। इस पानी को उबालने से इसमें भाप बनी और ये जलवाष्प के रूप में आगे बढ़ती गई। इस प्रकार से मीथेन का संघटन होने लगा और जिससे वाष्प संघनित द्वारा संघनित होकर द्रवित होती गई। जो वाष्प थी वो संघनन के द्वारा द्रवित होती गई और द्रवित होती गई। इस प्रकार गैसों का मिश्रण होने लगा। एक सप्ताह बाद जब मिलर ने इस प्रयोग में उपकरण में देखा तो उन्हें कुछ लाल कलर का लाल रंग का पदार्थ दिखाई देने लगा। ये लाल रंग का पदार्थ एलानिन ग्लिसरीन व ग्लाइसिन थे। अर्थात स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग 1952 में प्रस्तुत किया तथा उन्होंने ओपेरिन के सिद्धांत को समर्थन करने के लिए आद्य युग में पृथ्वी पर क्या उसकी परिस्थितियां थी उसे इस प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया। उसके लिए उन्होंने मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन को एक उपकरण में लिया तथा एक फ्लास्क में निरंतर इस जल को उबालते रहे। जल को उबालने से ये भाप बनकर ऊपर उठने लगा और यह जलवाष्प ठंडी होकर संघनित होने लगी तथा इस प्रकार से गैसों का मिश्रण होने लगा। एक सप्ताह के बाद जब उन्होंने देखा तथा उन्होंने यहाँ पर नमूना एकत्रित करने के लिए एक फ्लास्क लगाया। इसमें यहाँ पर इन्होंने इसका सैंपल या नमूना लिया। इस प्रकार से जब लाल रंग के पदार्थ को इन्होंने देखा तो वो लाल रंग का पदार्थ एलेनिन ग्लिसरीन व ग्लाइसिन थे और निष्कर्ष निकाला कि 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का उद्भव इसी प्रकार से संपन्न हुआ था।
अगला हमारा मुख्य बिंदु है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की खोज। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह भी हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, शनि आदि अन्य ग्रह हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन ग्रहों पर भी जीवन की खोज के प्रमाण के संदर्भ में खोजें जारी है तथा इसके लिए खोज करके इन्होंने बताया है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाह्य जीवन अंतरिक्ष में यानी कि अन्य ग्रहों पर क्या हमारा जीवन संभव है या नहीं है। एडविन हब्बल एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि आकाश गंगाएं व ग्रह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अधिकतर ग्रहों पर तापमान या तो बहुत अधिक है या बहुत कम या फिर किसी पर वायुमंडल ही अनुपस्थित है। इसी प्रकार से बुध ग्रह सूर्य के अधिक निकट होने के कारण तो इस वजह से बुध ग्रह का तापमान बहुत ही अधिक है, अतः वहां पर हमारा जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह पर वायुमंडल CO2 के घने बादलों से ढका रहता है, अतः जीवन संभव नहीं। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल CO2 के बादलों से ढका रहता है, अर्थात वहां पर CO2 की मात्रा अत्यधिक है, CO2 के बादलों से ढका हुआ रहता है, इस कारण वहां का तापमान 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से बृहस्पति, शनि व अन्य ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम बृहस्पति शनि आदि ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम मीथेन अमोनिया आदि गैसों की मात्रा आदि के घने बादल छाए रहते हैं, परंतु इन ग्रहों पर निम्नतम तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -400 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण जीवन संभव नहीं है। अमोनिया के घने बादल और तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -400 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से अगला ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है। इस ग्रह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कपकपा देने वाली सर्दी होती है, कपकपा देने वाली सर्दी और धूल भरी आंधियां चलती है, यहाँ गर्मियों में तापमान 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में -133 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। तीस से
50 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 133 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। इसी प्रकार से मंगल ग्रह पर सौर परिवार का सबसे बड़ा पर्वत व घाटियां बड़ी बड़ी घाटियां है। सौर परिवार का यानी कि पूरे सोलर सिस्टम का सौर परिवार का सबसे बड़ा पर्वत उपस्थित है। इसी प्रकार से मंगल पर एक वर्ष पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर है। अर्थात मंगल पर जब एक वर्ष होता है तो पृथ्वी के 687 दिन होते हैं। इसी प्रकार से 1960 के दशक में पहली बार अंतरिक्ष यान भेजा गया। इस ग्रह पर CO2 का सबसे बड़ा मात्रा उपस्थित है। 1960 में पहला अंतरिक्ष यान भेजा गया। CO2 की बड़ी मात्रा उपस्थित है तथा ऑक्सीजन केवल 0.13% उपस्थित है। ऑक्सीजन की मात्रा 0.13% है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है। इसी प्रकार से भारत ने मार्स ऑर्बिटर MOM मिशन पर मार्स ऑर्बिटर मिशन सितंबर 2014 में सफलता प्राप्त की। मार्स ऑर्बिटर मिशन सितंबर 2014 में भारत ने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से ये हम दुनिया के विश्व के पहले ऐसे देश बन गए हैं जिसने पहले ही प्रयास में बहुत ही कम लागत में यह सफलता प्राप्त की। यह मंगलयान जो कि मार्स ऑर्बिटर मार्स ये मिशन भेजा गया है, यह मंगलयान मंगल ग्रह पर मीथेन की गैस की मात्रा का पता लगाएगा। मीथेन गैस की मात्रा का पता मंगल ग्रह पर उपस्थित खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, गैस की मात्रा का पता लगाएगा, इसका स्रोत क्या है, मीथेन गैस कहां से प्राप्त हो रही है इसके बारे में पता लगाएगा, और मंगल ग्रह के मंगल सतह का तापमान कितना है और खनिजों का पता लगाएगा। हाइड्रोजन व ड्यूटेरियम गैस की मात्रा का पता लगाएगा तथा बाहरी हिस्से में जो कण मिले हैं उनकी जांच करेगा। सौर मंडल में पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा उपस्थित है, परंतु चंद्रमा पर ना तो कोई वातावरण है ना वहां पर जल उपस्थित है, अतः चंद्रमा पर भी जीवन की संभावना नहीं है, परंतु केवल एकमात्र ग्रह मंगल ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है। इस मंगल ग्रह के अंतर्गत भारत ने सर्वप्रथम सितंबर 2014
2014 में एक मंगल यान भेजा तथा इस मिशन को मार्स ऑर्बिटर मार्स MOM के द्वारा प्रदर्शित किया और इस मार्स ऑर्बिटर मार्स के द्वारा मेथेन गैस की मात्रा उस मंगल ग्रह पर कितनी है और उससे उसका स्त्रोत्र क्या है, मंगल की सतह का तापमान क्या है और इसमें जो कौन कौन से खनिज उसकी सतह पर उपस्थित है उनके बारे में जानकारी देगा तथा साथ ही हाइड्रोजन व ड्यूटेरियम गैस की मात्रा मंगल पर कितनी है इसके बारे में भी पता लगाया जाएगा। अगला हमारा मुख्य बिंदु है पृथ्वी जैसे ग्रह का अर्थ और उनकी खोज, अर्थात ऐसा ग्रह जिस पर पृथ्वी की भांति ही गर्मी में पानी जल तरल अवस्था में हो तथा जिसका वातावरण व तापमान पृथ्वी के समान हो। कई खोजों के बाद पृथ्वी के समान एक ग्रह ढूंढा गया है जिसे पृथ्वी का बड़ा भाई कहा जाता है। इसे कैपलर 452-452B नाम दिया गया है। यह कैपलर 452B पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह पृथ्वी से 60% बड़ा है तथा हमारे सूर्य के समान कैपलर 452 तारा है। पृथ्वी से 60% बड़ा यह सौर्यमंडल के सूर्य के समान तारा है। हमारे सौर मंडल में सूर्य भी एक तारा है तो यह कैपलर 452-452 भी सूर्य के समान एक तारा है जो सूर्य से 1.5 बिलियन बड़ा वर्ष बड़ा है तथा सूर्य से 1.5 बिलियन वर्ष बड़ा है, अर्थात यह सूर्य से भी बड़ा है जो कि 1.5 बिलियन वर्ष बड़ा है और उससे 20% चमकदार व गर्म भी है। 20% ज्यादा चमकदार वा गर्म भी है। इस प्रकार से तथा इस कैपलर 452 पर पृथ्वी के समान ही कक्षा व समान मात्रा व लंबाई में उसके सूर्य का प्रकाश साल भर मिलता रहता है। यहाँ पृथ्वी की तरह चट्टाने समुद्र व वातावरण है। पृथ्वी की तरह वातावरण समुद्र व चट्टाने हैं। इस प्रकार से ये कैपलर 452 खोजा गया है तथा इस पर पृथ्वी के समान अनेक अवस्थाएं प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार से एक और अन्य ग्रह खोजा गया है जिसे 186F कैपलर 186F नाम दिया गया है। कैपलर 186F नाम दिया गया है। इस कैपलर 186F की खोज 17 अप्रैल 2014 को की गई। इसके
इसकी खोज 17 अप्रैल 2014 को की गई। यह भी पृथ्वी के समान ही माना जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी के समान ग्रह को इसलिए खोजा जा रहा है ताकि भविष्य में यदि पृथ्वी पर जीवन संभव ना हो सके तो उस स्थिति में हम अपनी जाति की निरंतरता को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए अपनी अपने जीवन को, यहाँ का जो जीवन बचा है उसे उन ग्रहों पर स्थानांतरित कर दें ताकि जाति की निरंतरता संपन्न हो सके, निरंतरता बनाई जा सके और हम अपनी उत्तर जीविता को कंटिन्यू उसे निरंतर रख सके। इस प्रकार से इस अध्याय में हमने सजीव और निर्जीव में अंतर समझा कि जिसके अंतर्गत ऐसी क्या लाइफ में जीवन की क्रियाएं होती है जो चीजें सजीव कहलाती है और क्या क्रियाएं अनुपस्थित होती है जिसकी वजह से चीजें निर्जीव कहलाती है। उसके पश्चात हमने इसमें जीवन की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं देखी जिसके अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सिद्धांत व मतों पर हमने अपनी नजर डाली तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके पश्चात हमने बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की खोज यानी कि और दूसरे ग्रह पर कौन कौन से जीवन संभव है, किस किस ग्रह पर जीवन संभव है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जिसके अंतर्गत केवल मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है तथा अगला बिंदु हमने इसमें देखा कि पृथ्वी के समान ग्रह की खोज व उनका उन ग्रह का अर्थ क्या है जिसके अंतर्गत दो ग्रह अभी तक खोजे जा चुके हैं। पहले का नाम कैपलर 452b है तथा दूसरे का नाम कैपलर 186f है। कैपलर 186f की खोज 17 अप्रैल 2014 को की गई थी। यह ग्रह काफी हद तक पृथ्वी के समान माने जाते हैं। अतः जब पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा तो उस स्थिति में अपने जीवन की उत्तर जीविता को बनाए रखने के लिए जीवों को उस ग्रह पर स्थानांतरित कर सकती है और जिससे जीवन की उत्तरजीविता या जाति की उत्तरजीविता बनी रह सके।